हेलो फ्रेंड्स, कुमुदनी की वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। बथुए का साग देखकर आ गया होगा आपके मुंह में पानी। तो आइए इस रेसिपी को बनाते हैं। देखिए, ये बथुए की दो जुड़ी है जो बहुत ही नरम और बहुत ही ये मुलायम पत्तियां हैं, मतलब पूरी मिनरल हेल्दी जितने भी हेल्थ के गुण हैं सब इस पत्तियों में मौजूद है फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरीके से मैं ये नरम नरम जो डंठल है ना उसको तोड़ रही हूँ, अलग निकाल रही हूँ, और जो कड़क डंठल है उसको अलग निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, बथुए के इतने फायदे हैं, आपको मैं कितना गिनाऊँ। खून साफ करता है, खून बढ़ाता है, पिंपल वगैरह में भी काम आता है, हेयर ग्रोथ में भी काम आता है। अगर आप विटामिन मिनरल जो भी प्रोटीन वगैरह जितने भी आप सूत्र देखिए आपको बथुए में मिल जाएंगे, इतना ये होता है बथुआ अच्छा। और ये इसी सीजन में मिलता है फ्रेंड्स, ये गर्मियों में नहीं मिलता है। तो आप जब तक ठंड का मौसम चल रहा है तब तक आप ये बथुए की साग दाल पराठे जो भी आपको अच्छा लगे जरूर बना के खाइए फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूँ आपको। तो देखिए, बातें करते करते मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बथुए का ये पूरा जो कड़क डंठल है तोड़ के निकाल देना है और नरम डंठल को तोड़ लेना है, क्योंकि डंठल में भी उतने ही गुण रहते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे मैंने पत्तियाँ निकाल ली हैं नरम डंठल के साथ में, अब इसको हम धोकर काट लेंगे फ्रेंड्स। और साथ ही में तेल गरम करेंगे, तेल में एक चम्मच जीरा डालेंगे, और जब जीरा थोड़ा तलक तलक हो जाए ना उसके बाद लहसुन की कुछ कलियों को मैंने बारीक बारीक काट लिया था उसको डाल देंगे फ्रेंड्स। और जैसे ही हल्का सा कलर ये चेंज हो जाएगा, जैसे ब्राउन होता है ना, गोल्डन होता है, गोल्डन हो जाएगा, उसी समय हम दो रफली कटा हुआ प्याज डाल देंगे फ्रेंड्स। रफली इसलिए कि प्याज गल जाता है तेल में जब भी जाता है। तो आप अगर प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, तो ये स्किप कर दीजिए। मैंने थोड़ी सी इसके अंदर हरी मिर्ची डाल दी है, और तेल की क्वांटिटी बहुत लोग बोल रहे हैं कि तेल नहीं खाते, तो बिना तेल की भी ये सब्जी आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। बस कढ़ाई को गर्म करना है, जीरा डालना है, थोड़ा तलक तलक हो जाए उसके बाद प्याज डालना है, स्लो गैस पे भूनना है। और ये देखिए, टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिया, दो कटे हुए टमाटर हैं रफली काट लिया है, और अच्छे से इनको पहले मिला लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद दो आलू काट लिया था मैंने। ये सब्जी हर घर में बननी ही चाहिए और बनती ही होगी, मैं ऐसा सोचती हूँ। अगर यहाँ पे नहीं बनती है वो यहाँ पे बथुए का साग बना कर तो देखिए मेरे तरीके से, मैं सच बता रही हूँ, उंगलियाँ चाटती रहेंगी, इतना स्वादिष्ट बनता है। जिनको पता नहीं है ना वो बनाकर ज़रूर देखिए। तो देखिए, ये इस तरीके से मैंने इसको पूरा चला लिया और हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर, हल्दी डालकर इसको अच्छे से हम मिला लेंगे फ्रेंड्स। अभी नमक हम नहीं डालेंगे, नमक क्योंकि जो भी हम पत्ते वाली सब्जियां बनाते हैं ना, अगर नमक पहले से डाल लेंगे तो हमको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि कितना डालना चाहिए। अगर वो थोड़ी सी गल जाए उसके बाद आप नमक डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नमक कितना डालना है। तो ये बथुए की पत्तियों को मैंने रफली काट लिया था और इसके ऊपर रख रही हूँ। देख लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार हैं, नए हैं, वीडियो पसंद आ रही तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपके घर में इस तरीके की बथुए की साग बनती है या नहीं बनती है। देखिए, हमारा बथुआ गल गया है तो मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, दो छोटे चम्मच। मेरा जो चम्मच है ना वो बहुत छोटा है, इसलिए मैं दो चम्मच में यूज कर रही हूँ स्वाद के अनुसार। तो जो आप जैसा नमक खाना पसंद करते हैं आप वैसा उस अपनी सब्जी में डाल सकते हैं। मैं मीडियम नमक है नमक डाल रही हूँ, और हमारे घर में सेंधा नमक ही यूज होता है तो मैं यूँ ही यूज कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए, अब ये पूरी तरीके से हमारा ये जो बथुए का साग था गल चुका है फ्रेंड्स, दिख रहा होगा आपको। तो इसको थोड़ा चला कर ढक देंगे ताकि ये और अच्छे से नमक पाकर पूरी सब्जी गल जाए। तो देख लीजिए, अब थोड़ी थोड़ी देर पे इस तरीके से लो गैस पे ही पकाना है फ्रेंड्स, गैस को मीडियम टू लो ही रखना है, हाई नहीं करना है। तो आप देखिए इस तरीके से ये पकते हुए, फिर ढकेंगे, फिर खोलेंगे, फिर चलाएंगे, और जब जैसा हमको चाहिए वैसा अगर बन जाए, मतलब बिना जो बोलते हैं ना सब्जियों का पानी ख़त्म हो जाए, तो ये साग की ना टेस्ट बढ़ जाता है।
देखिए सब्जियों का पानी ख़त्म हो चुका है और अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और अच्छे से मैश कर लिया मैंने। और डेकोरेशन के लिए एक हरी मिर्च को 3 पार्ट में काट लिया है और सजा दिया है। तो कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताइए, कमेंट लाइक शेयर कीजिए।